जैसे आप कोई प्रोजेक्ट रन करोगे, रन ऑन जुपिटर करोगे, यहाँ से रन ओपन विद जुपिटर नोटबुक, तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन कर सकते हो आप ये पाथ तक जाके। तो जैसे ही ऐप डॉट आई पी वाइन भी फाइल देख रहे हो यहाँ पे कोड में, इसे ओपन करना है, यहाँ पे शिफ्ट एंटर करना है, शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर, ये सब फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं। अभी यहाँ पे लोकल होस्ट 5000 करके एंटर प्रेस करना है, जिसके बाद आप देख सकोगे कि आपका पहले तो स्टार्ट क्राउड काउंटिंग, जैसे क्राउड का काउंटिंग स्टार्ट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्राउड जो कि बस के बाहर है उसका वैल्यू यहाँ पे इनपुट में जा रहा है। तो ये थोड़ा लैग होगा क्योंकि ये साइमल्टेनियसली आपका नंबर प्लेट रिकग्निशन के कोड को भी कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हो अपडेट होगी क्राउड की, बस की। जब क्राउड बढ़ेगा तो वैल्यू यहाँ पे अपडेट होते जाएगा डेटाबेस में। सेम अभी अगर आपको इसे स्टॉप करना है तो एंटर प्रेस करना है, कोई भी की दबाओगे या क्रॉस दबाओगे तो ये हैंग हो जाएगा। एंटर प्रेस करना, थोड़ा टाइम रुकना है, फिर जाके स्टार्ट बस काउंटिंग। अभी बस के अंदर का जो पर्सन काउंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि थोड़े टाइम में यहाँ पे जैसे ही बस के अंदर पब्लिक एंटर होती है तो आपको यहाँ पे क्राउड मिलते जाएगा, दिखते जाएगा। और ये सब किया गया है CNN से। देखिए, फिर आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, जैसे पब्लिक एंटर हो रही है तो क्राउड आपको दिख जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डिस्प्ले टाइम वाइज डेटा। ये है कि क्राउड 19 तारीख को 19/4/20 को 1 था काउंट, फिर उसका टाइमिंग है इस सेकंड का एंट्री होगा, जब जब काउंट रीड होगा तब तब एंट्री होगा। यहाँ पे हमने ये सिर्फ डेटा विजुअलाइज होने के लिए दिखाया, बस के अंदर कितना काउंट था तो काउंट कैसे बढ़ गया कम हुआ ये आप टाइम टू टाइम देख सकते हो। फिर बस नंबर प्लेट रिकग्निशन। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बस नंबर प्लेट में बाद में दिखाऊंगा आपको कि नंबर प्लेट रिकग्नाइज होता है, लेकिन ये जो नंबर प्लेट दिया था या वो वीडियो में नहीं है, इसीलिए वो वीडियो में आपको दिखता नहीं। तो जैसे ही आप कोई भी चीज़ को उसे रन करना है, जो भी आपको वीडियो बना रहे हैं आप, तो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। अभी ये नेक्स्ट हुआ, फिर इसके बाद आपका रीशेड्यूलिंग। अभी फाइनल प्रेडिक्शन कि आपको रीशेड्यूलिंग करना है कि नहीं, तो ये आपको प्रेडिक्शन में बता देगा रीशेड्यूलिंग ऑफ बस रिक्वायर्ड। अभी कोड में वैसे किया है क्योंकि आपको दिखाना है, इसीलिए ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है कि रीशेड्यूलिंग बस रिक्वायर्ड होगा कि नहीं, क्योंकि ये CNN एल्गोरिदम से रन होता है, तो उससे बस का काउंट हमें मिल रहा है, उसे कैसे ट्रेन किया जाएगा ये सब आपको बाद में बताया जाएगा। अभी यहाँ पे फिर नंबर प्लेट रिकग्निशन को कॉल जाता है। अभी मैं नॉर्मल एक सैम्पल रन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे GLA023955 है और ये है test3.jpg फाइल। अभी मैं यहाँ पे test3.jpg डाल देता हूँ, test3। अभी यहाँ पे रन कर रहा हूँ, जैसे ही रन करूँगा मुझे एक नंबर प्लेट मिल गया। अगर मैं यहाँ पे test3 की जगह bus2, जो bus2 आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ से ही इसे क्रॉप किया है, यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके ये पोर्शन कॉपी करके यहाँ पे क्रॉप करके पेस्ट किए, तो इससे क्या होगा कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो में ये ऐसे नंबर प्लेट रिकग्नाइज हो रहे हैं, जबकि ऐसे नहीं हो रहे। तो अभी देख लो कि जैसे मैं यहाँ पे बस डाल लेता हूँ, bus.jpg यही नाम है बस का, bus2.jpg है, तो bus2.jpg डालना पड़ेगा। फिर आप देख सकते हो कि जो नंबर प्लेट है वो डिटेक्ट होने के लिए आपको ये प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे देखो नंबर प्लेट वही रिकॉग्नाइज हुआ। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट चल